प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर लैपटॉप देकर छात्रों को किया सम्मानित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर छात्रों पर मेहरबान है। अखिलेश यादव अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर एक बार फिर जनता के सामने है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप कुछ इस प्रकार दिए। वर्ष 2012 के बाद से लैपटॉप को केवल अपने कार्यक्रम में बांटने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर लैपटॉप वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी लैपटॉप योजना के तहत वर्ष 2014 के 492 में से 120 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए गए थे। आज फिर से मुरादाबाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप किए गए छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं मुरादाबाद सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने दोनों छात्रों को लैपटॉप देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और बताया कि यह लैपटॉप राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए हैं और बच्चों का मनोबल बढ़े। अखिलेश यादव के द्वारा पत्र भी बच्चों के लिए भेजा गया है और शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा जिंदगी में हमेशा ऐसे ही मंडल का नाम रोशन करते रहे। शिखर, आज आपको ये जो लैपटॉप दिया गया है तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? खुशी, बहुत खुशी हो रही है। इससे हमें शिक्षा में और आगे आगे प्रोत्साहन मिलेगा हम आगे पढ़ने के लिए। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं हम लोगों की, तो ऑनलाइन के लिए ये डिजिटल अच्छा है। आपने इंटरमीडिएट की शिक्षा किस विद्यालय में प्राप्त की? सरस्वती विद्या मंदिर गुलाब बड़ी मदद। कितनी परसेंटेज आपकी रही? 90.2%। तो आपने क्या जिला टॉप किया या मंडल टॉप किया? जिले में फर्स्ट है, मंडल में सेकेंड। आगे क्या योजना है आपकी? आगे मैं BSc B.Ed करूंगी और प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। गौरव, आपने किस क्लास में जो है वो मतलब कहना चाहिए उच्च अंक प्राप्त किए? मेरे कक्षा 10 में 94.83% आए, जिसमें जिनके अनुसार मेरे प्रदेश में फोर्थ था और मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मैं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ता हूँ, मुरादाबाद में पढ़ता हूँ। आगे क्या योजना है, क्या बनना चाहते हैं? आगे अभी तो मेरा केवल यही टारगेट है कि इंटर में भी इतने अच्छी ज़्यादा परसेंटेज आए। और उसके बाद आगे क्या योजना है? उसके बाद फिर जैसे जैसे इंटर में स्कोर होगा। निर्धारित नहीं किया है? नहीं, अभी केवल यही टारगेट है कि इंटर में अच्छे स्कोर आए। अब आपको लैपटॉप वाला कैसा लगा? अभी तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चल रही है, मोबाइल पर छोटी स्क्रीन पर अच्छे से नहीं हो पाती है, अब लैपटॉप पर बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए किसी को आभार व्यक्त करना चाहेंगे, किसी के प्रति धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जरूर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अखिलेश यादव जी को। ये दोनों बच्चों ने मुरादाबाद का नाम रोशन करा है, एक ने हाई स्कूल में और एक भी इंटर ने मुरादाबाद एक मंडल में टॉप किया है। उसी की जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझसे मांगी थी, मैंने पूरी डिटेल इनकी लिख के पार्टी कार्यालय भेजी। वहाँ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये लैपटॉप समाजवादी पार्टी कार्यालय से भेजे गए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र भी इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भेजा है, दोनों को शुभकामनाएं भेजी हैं। और जो आज का समय है आधुनिक, उसको देखते हुए आज इनके लिए लैपटॉप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि इससे और अच्छा इनका मनोबल बढ़े, अच्छी पढ़ाई करें और नई तकनीकी सीखने को मिले। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ऐसी सोच है कि पूरे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी लैपटॉप बांटे और आज हमारी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, तब भी हर प्रदेश के अंदर जिन बच्चों ने जिला और मंडल टॉप कराया उनको लैपटॉप देने का काम कराया।